नमस्कार दोस्तों, टुडे हिमाचल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिमाचल में दो कोरोना संक्रमितों की मौत, 237 नए पॉजिटिव। सुखविंद्र सुक्खू पर झूठा चुनाव शपथ पत्र देने का आरोप, जांच के आदेश। किसान संगठनों का भारत बंद, हिमाचल से चंडीगढ़ तक ही जाएंगी बसें। ई ग्राम सचिवालय और लोक मित्र केंद्र पायलट परियोजना से जुड़ेंगी 3614 पंचायतें। विद्युत नियामक आयोग हिमाचल में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी। रेट मिलाकर आटा सप्लाई करने वाली फ्लोर मिल में भरे सैंपल। एचपीयू में पंजीकरण नहीं करवाया तो रुक जाएगा विद्यार्थी का परिणाम। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपी फरार। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। इसी के साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। हिमाचल में दो कोरोना संक्रमितों की मौत, 237 नए पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को दो और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा में हार चकिया के 58 वर्षीय संक्रमित और ऊना के विकास नगर के 61 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में गुरुवार को 237 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिला कांगड़ा जिले में 64, ऊना 35, सोलन 46, शिमला 27, हमीरपुर 22, सिरमौर 28, चंबा 6, कुल्लू 4, मंडी 3, किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक नया मामला आया। बिलासपुर में खादी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन समेत 3 विद्यार्थियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। कांगड़ा में बैंक कर्मी 1 विद्यार्थी के अलावा एक ही गांव के 11 लोग भी पॉजिटिव आए। ऊना में भी एक बैंक कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उधर प्रदेश में गुरुवार को कोरोना की जांच के लिए 7,099 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 5,241 की रिपोर्ट नेगेटिव और 1,719 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 61,616 पहुँच गया। सक्रिय मामले अब 1,903 हो गए। अब तक 58,679 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1,016 की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या 109, चंबा 11, हमीरपुर 147, कांगड़ा 366, किन्नौर 7, लाहौल स्पीति 1, कुल्लू 22, मंडी 61, शिमला 166, सिरमौर 131, सोलन 265 और ऊना जिले में 617 है। सुखविंद्र सुक्खू पर झूठा चुनाव शपथ पत्र देने का आरोप, जांच के आदेश। झूठे चुनाव शपथ पत्र मामले में हिमाचल प्रदेश के नादौन से कांग्रेस विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ जांच के आदेश जारी हुए। अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी नादौन कनिका चावला ने सीआरपीसी 156(3) के तहत पुलिस थाना नादौन के एसएचओ को छानबीन करने और जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड समेत न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए। उपमंडल नादौन के गांव जड़ौर डाकघर सेरा निवासी बसंत सिंह पुत्र गंगाराम ने विधायक के खिलाफ अपने वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा के माध्यम से झूठा चुनाव शपथ पत्र पेश करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 177, 181, 182 एवं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में याचिका दायर की थी। मामले में बीते वर्ष हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने इस मामले की छानबीन की और रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर को सौंपी। अब नादौन कोर्ट ने एसएचओ को इस मामले की छानबीन कर आगामी कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए हैं। किसान संगठनों का भारत बंद, हिमाचल से चंडीगढ़ तक ही जाएंगी बसें। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर 26 मार्च को किसान संगठनों ने भारत बंद की घोषणा की है। इसके चलते एहतियातन हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शुक्रवार को दिल्ली और पंजाब रूट पर बस सेवा बंद रखने का निर्णय लिया। एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक शिमला दलजीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार को दिन भर बसों का संचालन चंडीगढ़ तक ही होगा। इस रूट पर भी अगर स्थिति तनावपूर्ण होती है तो बसों का संचालन परवाणु तक ही किया जाएगा। रात्रि बसों का संचालन सामान्य रूप से होगा। दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसान संगठनों ने आंदोलन को 4 महीने पूरे होने पर 26 मार्च को भारत बंद की घोषणा की। शुक्रवार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक चलने वाले 12 घंटों के बंद के बाद जगह जगह प्रदर्शन होने की आशंका है। हालांकि प्रशासन शहर में दूध, ब्रेड, सब्जी की सप्लाई सुचारू रहने की बात कर रहा है। ई ग्राम सचिवालय और लोक मित्र केंद्र पायलट परियोजना से जुड़ेंगी 3614 पंचायतें। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश की 3614 पंचायतें ई ग्राम सचिवालय और लोक मित्र केंद्र पायलट परियोजना से जोड़ी जाएंगी। मंत्री ने वीरवार को शिमला के समीप खंड विकास कार्यालय मशोबरा में 5 लाख से निर्मित ई ग्राम सचिवालय का शुभारंभ किया।
कहा कि ये पायलट परियोजना हिमाचल में पहली परियोजना है जो इस क्षेत्र की जनता को ई ग्राम सचिवालय से सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। इसके माध्यम से लोग जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र परिवार के नकल की कॉपी ऑनलाइन ई ग्राम सचिवालय और लोकमित्र केंद्र से ले सकेंगे। विद्युत नियामक आयोग हिमाचल में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के 21.48 लाख घरेलू और 4.18 लाख अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अप्रैल अंत में महंगी बिजली का झटका लग सकता है। 251 करोड़ के घाटे का हवाला देकर बिजली बोर्ड ने दरें बढ़ाने के लिए नियामक आयोग में याचिका दायर की। याचिका पर आयोग ने 28 अप्रैल को जनसुनवाई निर्धारित की। इस दौरान बिजली दरों को लेकर उपभोक्ताओं के सुझाव और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 मार्च को पेश किए गए बजट में बिजली बोर्ड को 420 करोड़ की सब्सिडी दी है। ऐसे में संभावित है कि उपभोक्ताओं पर नई दरों का ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। कोरोना संकट में वर्ष 2020 में नियामक आयोग ने बिजली दरें नहीं बढ़ाई थी। सरकार ने मध्य वर्ष में बोर्ड को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि को कैबिनेट बैठक में फैसला लेकर घटा दिया था। सरकार के इस फैसले से बिजली दरों के स्लैब पर सब्सिडी तय की गई है। बढ़ते स्लैब में जाने से सब्सिडी कम हो रही है। इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में करीब 50 रुपए से 350 रुपए प्रतिमाह बढ़ोतरी हुई। कर्मचारी चयन आयोग भाषा अध्यापक की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को पोस्ट कोड 814 के तहत भाषा अध्यापक की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 229 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में 719 अभ्यर्थी आगामी चयन प्रक्रिया के लिए चयनित हुए। इन पदों के लिए कुल 9752 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 9434 अभ्यर्थी पात्र पाए गए। 20 दिसंबर 2020 को हुई लिखित परीक्षा में 7365 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 2069 ने ये परीक्षा नहीं दी। 7365 में से 719 अभ्यर्थियों का चयन आगामी चयन प्रक्रिया के लिए हुआ। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा 10 से 13 और 17 से 19 मई तक आयोग के कार्यालय में सुबह 9:30 बजे आयोजित की जाएगी। उरेत में लाकर आटा सप्लाई करने वाली फ्लोर मिल में भरे सैंपल। बिलासपुर जिले की एक आटा मिल से रेत मिलाकर आटा सप्लाई कर रहे सेहत से खिलवाड़ करने के मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरकत में आ गया। गुरुवार को जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी पवन शर्मा ने विभागीय निरीक्षक के साथ संबंधित फ्लोर मिल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद आटे की 81 बोरियों को सील कर दिया। विभाग ने आटे के सैंपल भी जाँच के लिए भेजे। विभाग की इस कार्यवाही से आटा मिल में हड़कंप है। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपी फरार। हिमाचल के चंबा में एक युवती ने व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किहार थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए उसके ठिकानों पर भी दबिश दे रही है। किहार थाने में पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी 2 मार्च को उसके साथ शादी करने का झांसा देकर उसे चंबा ले गया। यहां 10 दिन तक वे निजी होटल में रहे। आरोप लगाया कि यहां व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी खुद को अविवाहित बताता रहा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसकी 2 शादियां पहले हो चुकी हैं। पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है और दूसरी पत्नी से उसे 4 बच्चे हैं। आरोपी के सच का पता लगने के बाद उसने बुधवार को किहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने लड़की की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 376 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी। शातिरों के झांसे में आया डॉक्टर, खाते से ऐसे निकले 7.5 लाख रुपए। भवारना थाने के अंतर्गत साइबर क्राइम के जरिए धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया। भवारना थाने के अंतर्गत एक गांव में शातिरों ने डॉक्टर के खाते से 7.5 लाख रुपए की धनराशि निकाल ली। जानकारी के अनुसार एक मोबाइल कंपनी से डॉक्टर को सिम कार्ड की वैधता समाप्त होने से संबंधित कॉल आई और तुरंत फोन को रिचार्ज करने को कहा। ऐसा करते ही थोड़ी देर के बाद डॉक्टर के खाते से एक दिन में 7.5 लाख रुपए शातिर ठग ने निकलवा लिए। धोखाधड़ी होने के बाद डॉक्टर ने इस बारे में भवारना थाने में शिकायत दर्ज करवाई। HPU में पंजीकरण नहीं करवाया तो रुक जाएगा विद्यार्थी का परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में UG और PG डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने वाले दूसरे बोर्ड और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को 15 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण न करने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा। भविष्य में विद्यार्थी को परेशानी न हो इसके लिए पंजीकरण का मौका दिया गया है। ये हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होता है। इसी के आधार पर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी का रिकॉर्ड तैयार होगा। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन शाखा को ऑनलाइन किए जाने के बाद
विद्यार्थियों के लिए वेबसाइट पर दिए गए RME के लिंक www.rme.hpushimla.in पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध करवाया गया है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में UG और PG कोर्स में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को 15 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाने का समय दिया है। जिन छात्रों ने UG परीक्षा या PG की अगली परीक्षा के फॉर्म भर दिए हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वे अपने दिए गए छात्र लॉगिन ID और पासवर्ड के माध्यम से RME लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें फीस भी ऑनलाइन ही भरनी होगी। जिन छात्रों ने अभी तक परीक्षा फॉर्म भी नहीं भरे हैं, उन्हें पहले लॉगिन ID लेना होगा, उसके बाद अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ेगा। हिमाचल में दो दिन मौसम साफ, होली पर बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को मौसम साफ रहेगा। 28 मार्च से मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 29 मार्च को रंगों के त्यौहार होली के अवसर पर भी इन 8 जिलों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 4 मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम रहने के साथ धूप खिली रहने के आसार हैं। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने राज्य हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी ही ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।